बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम लकड़ी को कैसे साफ कर सकते हैं। अगर घरों में लकड़ी के कैबिनेट्स को या बेड्स के ऊपर जो पार्ट होता है उसको साफ ना किया जाए, आप ये देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है। तो आज मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी कि हम लकड़ी को किस तरीके से साफ कर सकते हैं और उसको चमका सकते हैं बिल्कुल एक छोटी सी रेमेडी से। हमने एक प्याली लेनी है, प्याली के अंदर हमने थोड़ा सा पानी लेना है। मैंने शीशे का बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है। अब मुझे एक चम्मच एक चीज़ चाहिए और दूसरा चम्मच दूसरी चीज़ का चाहिए। कौन सी चीज़ है? मैंने सिरका लेना है। सिरका मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चम्मच ऐड करना है। सिरके से जो सफाई होती है, डस्ट जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये सिरके की क्वालिटी है। फिर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सिरका जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मैंने वही वाला यूज़ किया है। आपके पास जो भी सिरका अवेलेबल हो किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लेना है जैतून का तेल। जैतून का तेल सिर्फ मैंने इसमें डालना है एक चम्मच। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने जैतून का तेल क्यों लिया है। ये डस्ट को मुकम्मल तौर पर साफ़ करके उसको चमका देने का काम करता है। अब हम चलते हैं इसकी सफाई की तरफ कि हमने ये तो रेमेडी बना ली है, अब हमने इसके साथ सफाई कैसे करनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा डस्ट है कि एक उंगली लगाने से पता चल रहा है कि इसकी डस्ट है। मैंने कपड़ा लिया है, नॉर्मल सा आपने कपड़ा ले लेना है जिससे आप घर की डस्टिंग और चीज़ों की डस्टिंग करते हैं। मैंने उससे पहले इसको अच्छे तरीके से साफ करना है। पहले मैंने इस रेमेडी के अंदर कुछ नहीं डालना, पहले मैंने अच्छे तरीके से कपड़े को साफ करना है। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी इसको लगी हुई है। अब मैं दूसरा लूँगी दूसरी जगह से भी मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर मैं आपको पूरी डस्ट दिखाऊँगी कि कितनी ज़्यादा डस्ट है। ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा डस्ट है सिर्फ इतने छोटे से कपड़े से साफ़ करने से। अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं अच्छे तरीके से पहले इस कपड़े से साफ़ करूँगी। इसके बाद जो है, जो हमने रेमेडी बनाई है उसके अंदर एक कपड़ा मिक्स करके उसको हमने साफ़ करना है। ये जितनी जगह से मैंने साफ़ किया वो आपको पता चल रहा होगा और जो डस्ट वाली जगह वो बिल्कुल सेपरेट गंदी नज़र आ रही है। तो हमने जो है वो कोशिश करनी है कि पहले हमने एक कपड़ा लेना है कोई, उससे हमने पहले खुश कपड़े से साफ़ करना है सारा। जब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए फिर हमने चलना है रेमेडी की तरफ। अगर आपको डस्टिंग करना नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आपने इसको झाड़ लेना है। झाड़ के भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद निकल आएगा। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं छोटे कपड़े यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके अंदर डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर मैं इसी को धो के दोबारा ही यूज़ कर लेती हूँ। मैंने जो रेमेडी बनाई थी उसको मैंने अपने पास रख लिया है और मैंने इस कपड़े को अच्छे तरीके से इस पानी में डुबो दिया है। डुबोने के बाद मैंने इसी कपड़े को निचोड़ के उसके बाद इससे मैं साफ़ करूँगी और फिर आपको शाइनिंग दिखाऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने अब इसको हाथ से ही निचोड़ लिया, अब इसी से मैं आपको इससे साफ़ करके दिखाऊंगी और फिर मैं एंड में आपको डस्ट भी दिखाऊंगी कि पहले मैंने खुश कपड़े से साफ़ किया था, अब इस रेमेडी ने क्या कमाल किया है। कि जो भी चीज़ हम साफ़ करें, कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करें, मेक श्योर हम शुरू से करें और उसको इससे आराम आराम से करें। हमने तेज़ तेज़ जैसे हम डस्टिंग करते हैं वैसे आपने नहीं करनी, बिल्कुल आराम से और स्लोली स्लोली करनी है ताकि सारी जो डस्ट है वो उसको लग जाए। अब मैं पूरी तरफ से अच्छे तरीके से इनको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद आपको मैं डस्ट दिखाऊँगी, मैं एंड तक साफ़ किया है, ठीक है। इसके बाद आप ये डस्ट देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसको डस्ट लगी हुई है क्योंकि इसने अपने अंदर डस्ट एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने कपड़ा इस तरह का रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बैक साइड पर इससे दोबारा साफ़ करूँगी क्योंकि ये पहले ऑलरेडी गीला है, आगे से साफ़ हो गया, पीछे से रह गया, तो मैं पीछे से एक और दफ़ा साफ़ करूँगी ताकि जो डस्ट पीछे रह गई है वो भी इसी से साफ़ हो जाए और आपके कैबिनेट्स और लकड़ी या अलमारी जो भी आप जिस भी चीज़ से साफ़ कर रहे हैं वो आपकी चमक उठे। अब मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखाऊंगी, पहले हमने फ्रंट साइड से किया था और उसकी डस्ट मैंने आपको दिखाई थी, अब मैं बैक साइड से दिखाऊंगी कि बैक साइड से ये कितनी डस्ट अब्जॉर्ब करती है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी। अब जो है वो इसको हमने अच्छे तरीके से स्लोली स्लोली साफ़ करना है। जैसे ही मैं साफ़ करके उसके बाद मैं आपको अगला दिखाती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कोई अच्छी सी चीज़ और अच्छी सी रेमेडी सिखा रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है, एक लाइक तो करना बनता है, ठीक है। चलिए हम डस्ट देख लेते हैं इसकी कि हमने जो है वो जब मैंने अब दोबारा किया है तो इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट थी, पहले वाले के अंदर बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम की है तो इसने अपने अंदर जितनी भी डस्ट थी वो एब्जॉर्ब थोड़ी सी कर ली है, थोड़ी सी है बिल्कुल। अब मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी कि यह आप देख लें कितनी शाइनिंग करी है। बेड तो ऑलरेडी ही शाइन कर रहा था, ऊपर ही डस्ट थी और मेरा डस्ट इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं इस डस्ट को साफ कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि आप भी अपने बेड्स को, अलमारी को, स्पेशली किचन के कैबिनेट्स को कैसे चमका सकते हैं। उम्मीद करती हूं आज को आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी और एक चीज जरूर बताती चलूं कि ये देखिएगा, मैंने ये बहुत से कपड़े लिए हुए हैं इस तरह के, कि मैंने ये कपड़े इसीलिए लिए हुए हैं, मैंने स्पेशली डस्टिंग के लिए हुए हैं कि ये बहुत अच्छी डस्टिंग करते हैं, कि इनसे डस्टिंग
स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छे से साफ होती है। मैंने पहले जो कपड़ा दो दफ़ा यूज़ किया था वो गीला था और उस कपड़े ने अपने अंदर डस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब मैं दोबारा से वही डस्ट वाला कपड़ा लूँगी, उसकी मैं बैक साइड से अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले मैंने जब साफ़ किया था तब ये डस्ट बहुत ज़्यादा थी। अब मैं साफ़ करूँगी कि वो जो गीले से हुआ था वो खुश्क होने के लिए। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि फ़ाइनल का रिज़ल्ट क्या है। हमने जो पूरी कबर होगी, अलमारी होगी या डोर होगा, जो भी होगा, हमने उसको पूरा इससे दोबारा साफ़ करना है और फिर जो है मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि फ़ाइनल लुक कैसी है। अब आप देख लें कि ये मेरी फ़ाइनल लुक है। आप यकीन करें कि शाइनिंग जो है वो दूर से भी नज़र आ रही है। अगर आप ये वाली रेमेडी से अपने घर की डस्टिंग करेंगे तो आपकी घर की कोई भी चीज़ पर डस्ट नहीं पड़ेगी और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और देखने वाले को दूर से शाइनिंग नज़र आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।